बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्टोन मीडिया में। मैं हुराज रॉब देख रहे हैं स्टोन मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 21 से 24 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं या किसी भी विश्वविद्यालय के आप स्टूडेंट हैं बिहार के, आप इस वीडियो को देख रहे हैं। पार्ट 3 फाइनल ईयर में 4 ऑनर्स पेपर होता है, 1 जीएस पेपर होता है। जीएस जनरल एंड इन्वायरमेंटल साइंस, जीएस में यदि हम कहें कि इसमें क्या सिलेबस रहता है तो आपका साइंस रहता है बेसिक जानकारी, आपके इन्वायरमेंट से संबंधित जो आसपास चीजें होती है उनको भी जो है कि आपके सिलेबस में शामिल किया जाता है। कुछ करेंट अफेयर के भी होते हैं चीजें, जैसे कि आपसे कोरोना के बारे में पूछ दिया, बेरोजगारी के बारे में पूछ दी, महंगाई के बारे में पूछ दी, तो कुछ जो मेटेरियल होता है वो आपको करेंट अफेयर से भी, पिछले 1 साल में जो घटनाएं घटित होती है उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। आर्ट्स से भी, पोलिटिकल साइंस से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, हिस्ट्री से और इकोनॉमिक्स से भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो मोटा माटी यही कि आपके जो डेली लाइफ में जो चीजें यूज होती है या आप डेली लाइफ में जो चीजें करते हैं उनसे जुड़ी कुछ सवाल आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। देखिए, हम सिलसिलावार तरीके से इस वीडियो में हम सारे चीज आपको बताएंगे, आप संयम बरतिएगा, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो जीएस को लेकर के जो डर है आपका वह सारा खत्म हो जाएगा। मैंने सोचा था कि मैं बोर्ड पर समझा दूं आपको, लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना ओरिजिनल क्वेश्चन दिखा करके ही समझा दिया जाए कि यहाँ पर देखिए ऐसा ऐसा पूछा गया है, आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है। तो चलिए दिखाते हैं कि जीएस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही में आपको बताएंगे इस वीडियो में कि बस इतना आप पढ़ लीजिएगा, आपको क्या करना है, 100 नंबर में से 33 नंबर लाना है, बाकी फोकस आपको अपने ऑनर्स पर रखना है। इसमें तो क्वालिफाई करना है, इसका नंबर कहीं ऐड वगैरह होता नहीं है, तो बस 100 में से आपका 33 नंबर आ जाए उतना पढ़ना है। और आसान है, बहुत आसान है, आराम से जो है कि आप 33 नंबर ले आएंगे। तो आप संयम बरतिए और चलिए हम आपको जो है कि ओरिजिनल क्वेश्चन ही दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और, ये जो आप ग्रुप ग्रुप के बारे में कहते हैं कि देखिए सर मेरा तो ग्रुप ए का है या मेरा ग्रुप बी में है और मेरा साइंस है या आर्ट्स है, तो मेरा वाला जीएस का क्वेश्चन कौन होगा, तो इतना याद रखिए, आपका साइंस से कोई भी ऑनर्स हो या आर्ट्स से कोई भी ऑनर्स हो या कॉमर्स से, ये जो जीएस पेपर होता है जीएस सबका सिलेबस सेम रहता है, सब में सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यही बताइए कि जितना लोग आप है साइंस के सभी बच्चे, आर्ट्स के सभी बच्चे, कॉमर्स के सभी बच्चे, सिलेबस तो जीएस का सेम ही है, अगर एक के दिन बुला करके सबका एग्जाम जीएस वाला एक के दिन ले लिया जाए तो कितना भीड़ हो जाएगा, बहुत भीड़ हो जाएगा, और उतना भीड़ को हैंडल कर पाना, मैनेजमेंट कर पाना भी बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए जो है कि जीएस को ग्रुप वाइज बांट दिया जाता है ताकि जो कि अलग अलग करके एग्जाम ले लेंगे, मैनेजमेंट में जो है कि किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो ये ग्रुप के चक्कर में मत रहिए कि हाँ मेरा ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, और मैंने क्वेश्चन बैंक में जो आपको बताया था, जो आपको मैंने क्वेश्चन बैंक दिया था उसमें भी ग्रुप ए का अलग जीएस का है, ग्रुप बी का अलग जीएस है, ग्रुप सी का अलग जीएस है, इसका मतलब ही नहीं है कि हाँ फिक्स है कि उस सब्जेक्ट वाले के लिए वो जीएस है चाहे उसके लिए वो जीएस है। जीएस सबके लिए सेम है, सिलेबस सबके लिए सेम है, बस अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम लिया गया है, इसलिए जो है कि आपको लग रहा होगा कि ये ग्रुप क्या है, अलग अलग क्यों है, और रीजन बस एक ही है रीजन ग्रुप अलग अलग करने का, कि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाता है इसलिए जो है कि ना बांट दिया जाता है कि चलो कम से कम इतना बच्चा को आज ले लेते हैं जीएस, उसके बाद से फर्स्ट सिटिंग में इतना का सेकेंड सिटिंग में ले लेंगे, फिर जो बच्चेगा कल ले लेंगे फर्स्ट सिटिंग में, उसके बाद जो बचेगा वो कल सेकंड सिटिंग में ले ले। और ये डिसाइड कैसे हुआ कि हाँ इतना बच्चा का आज ले लेते हैं फर्स्ट सिटिंग में, बाकी क्या सेकंड सिटिंग में ले लेंगे, तो बस एक ही ऑप्शन है कि ग्रुप वाइज हम बांट देते हैं, तो अपने सहूलियत के लिए जो है कि ये ग्रुप को बांटा जाता है, बाकी इससे सिलेबस वगैरह का कोई लेना देना नहीं है, सिलेबस सबका सेम होता है। अब देखिए जीएस में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में, आपका कोई भी ग्रुप में आपका सब्जेक्ट हो टेंशन नॉट वरी माय स्टूडेंट, सिलेबस सबका सेम है, बस इतना याद रखिएगा जो जीएस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और देखिएगा तो क्वेश्चन के अंदर भी ग्रुप वाइज बांटा रहता है कि ग्रुप ए, और देखिएगा तो यहां पर आप तमाम स्टूडेंट देख सकते हैं ग्रुप बी, 5 क्वेश्चन ग्रुप ए के अंदर रहता है और 5 क्वेश्चन देखिएगा तो ग्रुप बी, देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 6 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन रहता है वह ग्रुप में, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और कंडीशन लगा दिया जाता है कि आपको देखिए ऊपर देखिए इसमें इंस्ट्रक्शन साफ साफ दिया है तमाम स्टूडेंट, देखिए देखिए आंसर 5 क्वेश्चंस, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच ग्रुप,
ये जो दो ग्रुप में क्वेश्चन बांटा गया है, ऐसा नहीं है कि हाँ पांच क्वेश्चन का आंसर देना है, पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पांच क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो हुआ कि चलो ग्रुप ए से ही क्वेश्चन एक से लेकर के देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर पांच तक ग्रुप ए में है, तो ऐसा ना हुआ कि हाँ ग्रुप ए से ही पांचों क्वेश्चन का आंसर दे दिए, ग्रुप बी से छोड़ दिए, तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा कभी मत करना है आपको, जो है कि ग्रुप ए से कहा जा रहा है कि दो क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखिए ग्रुप ए है ना ये वाला, ग्रुप ए से दो क्वेश्चन का आंसर दीजिए और ग्रुप बी से भी कम से कम दो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आपको क्या करना है एग्जामिनेशन हॉल में, देखिए यहाँ पर देखिएगा, तो एटलीस्ट टू फ्रॉम ईच ग्रुप, कि कम से कम हर एक ग्रुप से दो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो मान लेते हैं कि हम ग्रुप ए से भी दो का दे दिए आंसर और ग्रुप बी से भी दो क्वेश्चन का आंसर दे दिए, तो मालूम चला कि यार इधर चार क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कम से कम, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम कहा जा रहा है। तो आप क्या कीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, ग्रुप ए से तीन क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा और ग्रुप बी से दो क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। अन्यथा मन करे कि ना ग्रुप ए से हम दो क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ग्रुप बी से तीन या ग्रुप बी से दो क्वेश्चन का और ग्रुप ए से तीन, इतना याद रखिएगा कि इसमें से जो ग्रुप दूगो बनाया गया है ए या बी, कोई एक में से दो का और कोई एक में से तीन का, ऐसे आपको जो है कि क्वेश्चन का आंसर पुराना है, टोटल पांच क्वेश्चन लिखना है। अच्छा पांच क्वेश्चन हमको लिखना है और ये 100 नंबर का है, तो हर एक क्वेश्चन कितना नंबर का, तो 20 नंबर का हुआ, हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का हुआ। तो देखिए पहला नंबर में क्वेश्चन में रहता है निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम बताएं। पहला तो ये हो गया, मान लेते हैं कि ग्रुप ए वाले में पहला क्वेश्चन में ये डाल दिया कि बुक के राइटर का जो है कि नाम पूछा कि उस बुक को किसने लिखा। यदि हम दूसरा वाला देखें, दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन, देखिए ये ग्रुप बी है, मतलब समझिए कि दूसरे शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो देखिए पहला में इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित तिथियां कैसे महत्वपूर्ण है। हम आपको एक और दूसरा शिफ्ट का, ये 20 से 23 वाले का सारा क्वेश्चन है, हम आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा, तो देखिए पहला में ये क्या है, तो नेम द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग बुक, यानी पहला नंबर क्वेश्चन में या तो ये रहेगा कुछ बुक्स के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे कि इनके राइटर कौन है वो बताइए, या कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पहले नंबर क्वेश्चन में, जैसे देखिए निम्नलिखित तिथियां कैसे महत्वपूर्ण है, ये आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए ये डेट जो है, ये ईयर जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि 1857 में क्या हुआ था, बस एक लाइन में जो है कि आपको लिख देना है। आप देख पा रहे हैं, यदि हमको इसका जवाब देना हो कि 1857 ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हम ये आंसर में दे सकते हैं कि 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, इतना आप लिख दीजिएगा, आपको चार नंबर मिल जाएगा। तमाम स्टूडेंट ऐसा चार पंचे बीस, देखिए एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, तो एक दो तीन चार पांच, पांच ऑप्शन है, आप पांचों का पांचों, देखिए ऐसा नहीं कि हाँ पांचों में से कोई एक का करना है, आपको पांचों का करना है, इसका भी बताना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो यदि एक आप सही बताते हैं कि सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में, या एक और नाम से भी इसको जाना जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी 1857 के रिवोल्ट को जाना जाता है, तो आप सिपाही विद्रोह भी आप लिख देते हैं तो आपको चार नंबर मिल जाएगा। ये फैक्चुअल चीज है, ऐसा नहीं रहता कि हाँ इसमें 10 लाइन लिखेंगे तब नंबर मिलेगा, जो जानकारी फैक्ट है, जो फैक्चुअल चीजें पूछी जा रही है वो बता दीजिएगा एक लाइन में भी, तो आपको आराम से चार नंबर आपको मिल जाएगा। अच्छा देखिए एक ईयर में या एक हम कहें तो साल में, जैसे कि 1857 है, ऐसा थोड़ी है कि इसमें सिर्फ सिपाही विद्रोह ही हुआ होगा, बहुत सारी चीजें हुई होगी, लेकिन बस कोई एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देनी है। यदि आप आपके क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 1885 में क्या हुआ, मान लेते कि आपने आपका पेपर देने वहां पर पूछ दिया गया ये वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम आपके एग्जामिनेशन हॉल में आ गया, तो बस आपको बता देना कि 1885 में जो है कि कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बस एक लाइन में लिख दीजिएगा, उससे भी आपका काम चल जाएगा। 1950 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान भारत में लागू किया गया था, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है या इसलिए वो महत्वपूर्ण है। तो आप तमाम स्टूडेंट आंसर देने का ये एक लाइन या दो लाइन में या एक सेंटेंस में आप कई तरीकों से दे सकते हैं, बस सेंस जो है कि वही निकलना चाहिए तमाम स्टूडेंट, इतना याद रखिएगा। यदि आपसे पूछे कि 1526 में क्या हुआ था, ये कहा जा रहा है ना कि ये 1526 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध
1526 ईस्वी में हुआ था, इतना आप लिख दीजिएगा आपको चार नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है कि आपको इम्पोर्टेंट डेट्स वाला उसका जो है कि आपको जवाब देना है। अब देखिए, मान लेते हैं कि दो का मेरा गलत जवाब हो गया, तीन गो का सही हुआ, तो हर एक ऑप्शन के लिए चार नंबर, तो चार तिहाई 12 नंबर हमको मिला। पांचों सही हो गया तो चार पंचे 20 नंबर मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन का जो है कि देख पा रही, हर एक ऑप्शन का सही आंसर करने पर आपको चार नंबर मिलेगा। देखिए, जो अभी कांग्रेस है इंडिया में, जो पार्टी है कांग्रेस, उसका पूरा नाम जब 1885 में स्थापना हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका पूरा नाम था। तो 1885 आए जब भी, तो आपको लिखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो इंपॉर्टेंट डेट्स वाला आपको इस तरीके से जो कि इसका जवाब देना है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपके शिफ्ट में हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी आ जाए या क्वेश्चन नंबर 2 में आए। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा तो ये कौन सा है, ग्रुप सी वाला है, इसमें पूछ दिया यही इंपॉर्टेंट डेट्स क्वेश्चन नंबर 1 में। लेकिन देखिए, यदि हम शिफ्ट पहला शिफ्ट का हम आपको दिखाए तो यहाँ पर तमाम स्टूडेंट देख सकते हैं इसमें भी 1 में है, बी वाले में जो है कि वह क्वेश्चन नंबर 1 में ही दिया गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में ही ये दे दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 में जो है कि ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपका रहेगा, आप देख पा रहे। अच्छा, और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम बताएं, ये भी 20 नंबर का है। इसमें भी आपको रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, इसमें भी 5 बुक का रहेगा और आपको पांचों का आंसर देना है। हर एक ऑप्शन का सही आंसर करने पर आपको चार नंबर मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, ये एक किताब का नाम है इतना बड़ा, इसको कौन लिखा, तो आप देख पा रहे हैं जॉन मेनार्ड किन्स। यहाँ पर बस आपको इतना बता देना है कि ये लिख करके इस जो है कि किताब के जो है कि लेखक ये है, ये आपको बता देनी है। सत्य का प्रयोग ये किताब का नाम है, इसके राइटर कौन है, तो आपको लिखना है ऑप्शन नंबर बी, सत्य के प्रयोग किताब के लेखक जो है कि आप देख पा रहे यहाँ पर महात्मा गांधी जी है, इतना आपको लिख देना है। आनंद मठ जो किताब है, या आप पुस्तक भी लिख सकते हैं, किताब या पुस्तक दोनों बात बराबर है, बस पुस्तक हिंदी में हो गया, किताब शायद उर्दू में है। आप देख पा रहे हैं आनंद मठ जो पुस्तक है, इनके लेखक कौन है, बंकिम नाथ चटर्जी। उसके बाद से उर्मिला आप देख पा रहे हैं, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आजाद बचपन की ओर, देख पा रहे हैं कैलाश सत्यार्थी। तो ये क्वेश्चन पहला नंबर या दूसरा नंबर में ये पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट जो बुक्स है उनके राइटर के नाम, तो आपको इस तरीके से बताना है, ध्यान रहे सभी का, ए बी सी डी ई सभी का आंसर करना है, और हर एक ऑप्शन का सही आंसर आप देते हैं तो चार नंबर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसको यदि हम अटेम्प्ट किए, और क्वेश्चन नंबर 2 इसको हम यदि अटेम्प्ट किए, तो ये दोनों कितना का हो गया, 40 नंबर का तो ये हो गया, और हमको चाहिए 33 नंबर। मान लेते हैं कि इसमें से 20 नंबर तो हमको आएगा ना, 40 में से 20 नंबर आधे आज सही हुआ। तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा नंबर चौथा नंबर यहाँ पर देखिएगा, तो तीसरा नंबर और चौथा नंबर में क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन आप देख पा रहे हरित क्रांति के विभिन्न सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव की समीक्षा करें, कम से कम आप देख पा रहे इनके बारे में आपको बताना है, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है इसके बारे में हो गया। अच्छा देखिए, हमेशा से इसमें जो आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, तो ये ग्रुप ए का क्वेश्चन है। हम आपको और दिखाए दूसरे शिफ्ट का, तो देखते हैं ग्रुप नंबर 5 जो है कि आप देख पा रहे ग्रुप बी है, इसमें 5 नंबर पर क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर भारतीय कृषि संबंधी क्षेत्र की मुख्य समस्याओं की विवेचना करें, ये दिया गया है। और देखिएगा यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे, ये जो है ना, निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर या निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर जो है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आपको मिल जाएगा। 10 नंबर में देखिएगा, तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, कहा जा रहा है ए बी सी डी ई है, तो इनमें से किसी दो पर जो है कि आप दो पेज में या तीन पेज में जो है कि आप इसके बारे में बता दीजिए। स्वच्छ भारत अभियान है, इसके बारे में आपने न्यूज में भी देखा होगा, भाषण में भी कई जगह सुना होगा, या किताबें भी आपने पढ़ी होगी स्वच्छ भारत के बारे में, तो इससे संबंधित तो आप आराम से लिख सकते हैं। कि एटीएम के बारे में, कि एटीएम के बारे में आप लिखिए, तो एटीएम का यूज वगैरह, काम कैसे करता है, ऑपरेट कैसे होती है, ये सभी चीजें जो है कि आप इसके बारे में लिख सकते हैं। COVID-19 के बारे में है, आपने देखा होगा COVID-19 के बारे में, और जो COVID-19 जो महामारी फैली थी, किस तरीके से हम सभी लोगों ने
संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं कोविड-19 से बच करके। आप देख पा रहे ओजोन परत के बारे में पूछा जा रहा है, पवन ऊर्जा है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या आपने अपने डेली लाइफ में इसको अनुभव जरूर किया होगा। इसमें से आपको दो का लिखना है, 20 नंबर का ये रहेगा, इसमें से आप दो लिख दीजिएगा तमाम स्टूडेंट तो 20 नंबर आपको इसमें से भी मिल जाएगा। हर एक ऑप्शन 10 नंबर का है, दो ही का लिखना है, देखिए जितना कहे उतना ही का लिखना है, इसमें दो का कहा जा रहा है तो आप दो का लिखिएगा। देखिए और भी चीजें हैं, देखिए आपके ऑप्शन में रह सकते हैं, जैसे कि एक बार निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, चार पर कहेगा तो चार पर। अब स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के बारे में प्रधानमंत्री जी बहुत सारे भाषण दिए हुए हैं और स्टार्टअप के ऊपर आपने भी बहुत सारा न्यूज वगैरह सुना होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 20 में आई थी उनके बारे में जो कि आपको चार के बारे में कहा जा रहा है, तो ऑप्शन आपको कितना दिया गया है, पांच ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बोला गया है चार के बारे में आप लिखने के लिए। यदि आप इसमें से दो का लिखते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा, तीन का लिखते हैं तो आपको 15 नंबर मिलेगा। छोड़िएगा नहीं कोई भी क्वेश्चन तमाम स्टूडेंट, इतना याद रखिएगा। अच्छा एक चीज देखिए, प्रदूषण के बारे में हमेशा कोई ना कोई शिफ्ट में, आपका जो भी शिफ्ट हो किसी न किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा, इसलिए आप लोग मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण इसके बारे में जो है ना, ध्वनि प्रदूषण तो कम, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण ये दोनों एकदम मस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक है वायु प्रदूषण, इस तीनों के बारे में जो है कि आप लोग जो है कि पढ़ करके जाइएगा, वीडियो वगैरह देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं सुन लीजिएगा। अब देखिए इन्होंने पूछा था ऑनलाइन बैंकिंग से आप क्या समझते हैं, इसके गुणों एवं दोषों की विवेचना करें। तो हम लोग तो मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, जो फोन पे गूगल पे वगैरह चलाते हैं या इंटरनेट बैंकिंग चलाते हैं, तो इसमें पूछा जा रहा है कि इनका गुण जो इनकी क्वालिटीज है क्या क्या, ये ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम जब आई तो क्या सहूलियत हुआ हमारे लिए, कितना आसान हो गया, कितना आसानी से हम पेमेंट वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके बारे में अपने भाषा बना करके आपको लिखना है। लेकिन एक डिमेरिट्स ये भी है कि कोई पिन वगैरह जान जाता है तो आराम से हैक कर लेता है, थोड़ा भी जो है कि कोड वगैरह इधर उधर डाले तो वो एक्सेस कर लिया जाता है किसी न किसी के द्वारा, या पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट भेज कर ही हमसे पेमेंट उल्टे मंगवा लेता है। तो बहुत सारी चीजें जो कि आपके डेली लाइफ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जीएस में रहेगा, तो बस तीन चार क्वेश्चन पर नजर डालना है आराम से कम 40 नंबर तक का सही सही लिख देना है। ज्यादा एकदम टेंशन नहीं लेना है कि हमको भारतीय कृषि संबंधित जो है कि इसके बारे में नहीं पता है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता सर ये हम नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है ये नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन ये सब तो आसान है, ये बुक वाला और ये इंपॉर्टेंट डेट वाला जो है कि एकदम से आसान है तमाम स्टूडेंट। और ये देख पा रहे इलेक्शन कमीशन के बारे में, चंपारण सत्याग्रह, गरीबी के बारे में आपसे पूछेगा, तो इन सभी के बारे में जो है कि आप आसानी से लिख सकते हैं। अब देख पा रहे ये सब ग्लोबल वार्मिंग, देखिए ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एकदम पढ़ के जाइएगा, एकदम आएगा तो आएगा क्वेश्चन। और ओजोन परत के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत के बारे में एकदम से पढ़ के जाइएगा। महिला सशक्तिकरण के बारे में पढ़ के जाइएगा तमाम स्टूडेंट। आप देख पा रही है ग्रुप सी है, यदि हम ये आपको दिखाए तो यहाँ पर देख पा रहे ये पुस्तक के नाम दिए गए हैं, इनके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है। ये देखिए सारा क्वेश्चन जो है कि आपके सामने है, और तमाम देखिए यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान, कोविड-19, देखिए कोविड-19 ये वाला शिफ्ट में भी था, देख पा रहे यहाँ पर कोविड-19 और कोविड-19 ये दूसरा वाला शिफ्ट में भी पूछा गया है। यहाँ पर देख पा रहे स्वच्छ भारत उस शिफ्ट में भी था और इसमें भी है। देखिए बेरोजगारी के बारे में पूछे तो ये तो आप आराम से लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो भाषा बना करके आप आसानी से लिख सकते हैं। वायु प्रदूषण ये वाला में, वायु प्रदूषण पूछा ये वाला शिफ्ट में, ग्रुप सी में देखिएगा जिसका भी था वायु प्रदूषण, और इसमें देखिएगा तो तमाम स्टूडेंट इसमें है मृदा प्रदूषण के बारे में। तो प्रदूषण से 20 नंबर का एक न एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अच्छा अब इतना सारा है तो मोटा माटी क्या किया जाए, तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, देखिए यह सब है मिट्टी संरक्षण, ओजोन परत, मैंने कहा ना ओजोन परत पर के जाएगा, मिट्टी संरक्षण, मिट्टी जो कटाव होती है, बाढ़ आती है इधर से मिट्टी काट करके उधर ले जाती है, कभी उधर काट के कभी इधर ले जाती है, तो मिट्टी को संरक्षण करने के लिए ऐसा क्या व्यवस्था लाया जाए जिससे कि मिट्टी का कटाव ना हो। एक मेजर चीज है कि हम पेड़ लगा दें, तो इससे संबंधित मिट्टी को बचाने से संबंधित भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए जितना क्वेश्चन इसमें है सब पर ध्यान नहीं देना है, हमारा ध्यान उन सभी क्वेश्चंस पर रहना चाहिए जिससे हम इस जीएस वाले एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्वालिफाई आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए, अब लास्ट टू लास्ट आपको क्या करना है तमाम स्टूडेंट, तो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, मैंने बीबीआई क्वेश्चन दिए हैं वो होगा। क्वेश्चन बैंक में 2023 में मात्र, बाकी नहीं, 2023 में जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट डेट्स से संबंधित है उतना पढ़ लीजिए, और बीबीआई क्वेश्चन में जो इंपोर्टेंट डेट के बारे में दिया गया है उतना पढ़ लीजिए, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, उससे आपका इंपोर्टेंट डेट वाला आराम से बन जाएगा। और ये रहा बुक के निम्नलिखित पुस्तक के रचयिता के नाम, तो 2023 में जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं और बीबीआई में जो भी बुक्स के राइटर के नाम दिए गए हैं उतना पढ़ लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा, इसी दोनों में आराम से आपका 30 नंबर आ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस रखिए। उसके बाद से तमाम स्टूडेंट ये जो नोट्स वगैरह कहेगा लिखने के लिए, तो इसमें जो है कि देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ के जाइएगा, गरीबी के बारे में और इलेक्शन कमीशन के बारे में, अभी 24 में इलेक्शन हुआ था ना, हो सकता है कि इलेक्शन से संबंधित भी चीजें आपसे पूछ दे, तो थोड़ा इसको भी पढ़ के जाइएगा। और 20 नंबर का वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और तमाम स्टूडेंट जल प्रदूषण, ये तीनों प्रदूषण पढ़ के जाइएगा, कोई ना कोई एगो आपका पक्का आपके शिफ्ट में आ जाएगा 20 नंबर का, वो भी हो जाएगा। और मैंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तो इसको पढ़ लीजिएगा, और ओजोन परत के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी 2023 वाला, मात्र 2023 वाला क्वेश्चन को आप रिविजन कर लीजिए, उससे आपका जो है कि जीएस का पेपर जो है कि आसानी से निकल जाएगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी होगा कि आपका ऑनर्स ग्रुप सी में होगा या ग्रुप डी में होगा, तो शुरुआत जो जीएस का पेपर होगा वो ग्रुप ए से होगा, तो ग्रुप ए में जो भी क्वेश्चन पूछेगा, अभी जो एग्जाम होगा ग्रुप ए में जिनका जिनका भी होगा, एग्जाम होने के जस्ट बाद जिनका भी ग्रुप बी या ग्रुप सी या ग्रुप डी में जो है कि आपका ऑनर्स है, तो सारा क्वेश्चन मतलब कि जो एग्जाम होगा जीएस वाला उसके बाद आपका एग्जाम होगा, तो वो भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, वो भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जीएस में जो है ना बहुत रिपीट होता है, बहुत, ये इंपॉर्टेंट डेट वाला, उसके बाद से ये बुक्स वाला, उसके बाद से ये जो पूछा जाता है निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ये वाला, और एक और पूछा जाता है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर ये वाला, ये एकदम रिपीट होता है, एकदम 100% गारंटी है कि कुछ इसमें से ऑप्शंस रिपीट होंगे, तो होंगे ही। तो बस जीएस पास करने के लिए हमको क्या करना है, तो 2023 वाला सारा क्वेश्चन देख लेना है, खास करके ये वाला, कौन ये वाला इंपॉर्टेंट डेट वाला, और बुक्स के राइटर के नाम, और ये संक्षिप्त टिप्पणी वाला, ये चार को जो पूछा गया है ये, और ये दो को जो नीचे पूछा गया है ये वाला, और ये क्या करना है आपको, वही जो प्रदूषण के बारे में आपको बताया है, तीन को प्रदूषण वो पढ़ लीजिएगा, और ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत पढ़ लीजिएगा, एकदम 50+ नंबर तो एकदम गारंटी उसी से आपका आ जाएगा। अब बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पूछेगा जो आपके लिए आसान होगा उसका भी आंसर दीजिएगा, तो आपका आराम से 70-80 नंबर जो है कि आराम से जीएस में आ जाएगा, डराइएगा बिल्कुल नहीं, जीएस एकदम आसान होता है तमाम स्टूडेंट, इतना भरोसा रख करके आप लोग एग्जाम देने चाहिएगा। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होगी, मैंने क्वेश्चन दिखा करके आपको बताया है, और ये ग्रुप वाइज का जो है ना, ये ग्रुप का इतना याद रखिएगा कि हाँ कम से कम इस ग्रुप से दो क्वेश्चन और ग्रुप बी से तीनों कर देते हैं, या तीन को ग्रुप ए से कर देते हैं, ग्रुप बी से दो क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं, और टोटल हमको कितना आंसर करना है, टोटल जीएस में 5 करना है, 10 पूछेगा, इतना याद रखिएगा। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।